नमस्कार, स्वागत है आपका महुआ नेटवर्क्स पे। आगरा से आ रही है बड़ी खबर। आगरा ट्रैफिक पुलिस का सराहनीय कार्य। ट्रैफिक TI रवि कुमार ने अपनी ड्यूटी के दौरान एक छोटी बच्ची को किडनैप होने से बचाया। आगरा के गुरुद्वारा गुरु के ताल पर तैनात TI ट्रैफिक रवि कुमार की ड्यूटी थी। ड्यूटी के दौरान TI रवि कुमार ने देखा कि कोई अनजान व्यक्ति बच्ची को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा है। TI रवि कुमार ने तुरंत जाकर बच्ची को अपने आप को सुपुर्द किया और उस अनजान व्यक्ति को पकड़कर थाने ले गई। एक बच्ची जिसका नाम नैना, उम्र करीब 5 से 6 साल, अपने आप को बच्ची आगरा जिम की मंडी चौकी क्षेत्र की रहने वाली बता रही है। बच्ची को बहला फुसला कर ले जा रहे व्यक्ति का नाम रवि कुमार है। रवि कुमार जयपुर का रहने वाला है। ट्रैफिक TI रवि कुमार ने बच्ची से पूछताछ की। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि वह व्यक्ति बच्ची को जबरदस्ती ले जा रहा था। पुलिस ने बच्ची से भी पूछताछ की कि बच्ची ने उस व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया और साफ बताया कि यह मुझे बस जबरदस्ती ले जा रहा था। फिलहाल बच्ची पुलिस नैना की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। आगरा ट्रैफिक TI रवि कुमार के चलते एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की तहसील नौगावा सादात क्षेत्र के गाँव ढक्का में राशन डीलर द्वारा राशन कार्ड की EKYC के नाम पर की जा रही अवैध वसूली के खिलाफ ग्रामीणों ने तहसील परिसर में किया प्रदर्शन। बता दें कि नौगावा सादात तहसील क्षेत्र के गांव ढक्का के ग्रामीण सैकड़ों की तादाद में तहसील नौगावा सादात पहुंचे और उन्होंने राशन डीलर की अवैध वसूली और दबंगई के खिलाफ SDM को एक शिकायती पत्र सौंपा और मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमारे गाँव का राशन डीलर नरेश राशन कार्ड की EKYC के नाम पर अवैध वसूली कर रहा है और प्रति यूनिट 1 किलो राशन कम देता है। अगर ग्रामीण इसकी शिकायत करते हैं तो दबंगई दिखाते हुए कहता है कि जो दे रहा हूँ इतना लेना है तो ले लो, नहीं तो यह भी नहीं मिलेगा। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि राशन डीलर एडवोकेट है और केवल रविवार को ही फिंगर लगवाता है और कहता है राशन कल मिलेगा, फिर जब कल जाते हैं तो राशन नहीं देता है। राशन डीलर की अवैध वसूली और दबंगई के खिलाफ जब गांव के कुछ युवकों ने आवाज उठाई तो उन युवकों पर झूठे मुकदमे लगवा दिए और कहा कि तुम लोग अगर अभी भी नहीं मानते हो तो तुम्हारे ऊपर बलात्कार का झूठा मुकदमा लगवा दूंगा, अब देखना क्या होगा। ऐसा दबंग राशन डीलर के ऊपर प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है? डीलर का मामला ये है सर, हम राशन लेने के लिए जाते हैं तो सर कम देते हैं और बोलते हैं क्या कहते हैं, जैसा भी दिया जाएगा ऐसे ही दिया जाएगा, आपका जी करे तो ले नहीं तो जाओ कहीं और से ले। कितना कम देता रहा है? राशन बाल्टी 2 किलो की ले रखी सर, बाल्टी से तोल के देता है और हम कहते हैं कट्टे से तोल के दे तो कट्टे से तोल के नहीं देता, बाल्टी से तोल के देता है। क्या नाम राशन डीलर का? राशन डीलर का नाम नरेश है। ये राशन बांटता है वो, एक तो हफ्ते में एक बोरी राशन बांटता है, एक बोरी गूठे लगवा लेता है तो एक ही दिन राशन बांटता, फिर राशन नहीं बांटता, किसी को मिल जाए किसी को ना मिले चाहे। और दूसरी बात यह साहब, KYC का मसला चल रहा था, उस KYC में उनसे सबसे हर कार्ड वाले से 50-50 रुपए वसूल रहे थे वो, और जब उन्होंने वसूले तो दूसरे हमारे बच्चों ने भी उनके साथ कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करी या बातचीत करी तो साहब उनके साथ बदतमीजी से पेश आए और महिलाओं के साथ भी अर्ध व्यवहार कर रही हैं। तो साहब ये हमारा मामला ऐसा ही है, इनका न्याय मिलना चाहिए और राशन भी कम देते हैं वो यूनिट में। मुरादाबाद से आ रही है बड़ी खबर। सपा सांसद ST हसन का बयान, बांग्लादेश के अफसोसनाक हालात हुए हैं। ST हसन, बांग्लादेश हमारा मित्र देश है, हमने ही 1971 में वेस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। सरकारों को इतना प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जो जनता सड़कों पर उतर आए। सरकार को ज्यादा रेजिमेंट नहीं होना चाहिए, जनता के सेंटिमेंट को समझना चाहिए। जो भी हुआ बुरा हुआ, हम अपने देश के हिसाब से सोचते हैं। जो भी वहाँ सरकार वाले हिंदुस्तान के नेतृत्व की सरकार बने, क्योंकि उनके और हमारे संबंध कायम रहे। इस तरह से देश नहीं चल सकते। क्या आप अल्पसंख्यकों के मंदिर को तोड़ दें? हम अपनी सरकार से मांग करेंगे कि वहाँ के हिंदुओं की हिफाजत की गारंटी ले। हमारे देश में ही बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि जनता के अंदर उन रिस्पॉन्स बहुत है। जनता के सीने में चिरंगारी दहक रही है। महंगाई और बेरोजगारी से किसान परेशान है, मध्यम दर्जे का व्यापारी परेशान, हालत यहाँ भी बहुत अच्छे नहीं है। खासकर हिंदुस्तान में 5% लोगों की मजदूरी कर रहे हैं। 5% लोगों पर सबसे ज्यादा पैसा है। रिजर्वेशन का मतलब होता है सबको बराबरी का दर्जा मिल जाए, ऊंच नीच कम हो जाए। हमारे देश में दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है। जातिगत जनगणना का होना देश हित में बेहद जरूरी है।
ये सभी बातें एसटी हसन के मानने पे है। देखिए बांग्लादेश के बहुत अफसोसनाक हालात हुए हैं। बांग्लादेश हमारा मित्र देश है, हमने ही 1971 में वेस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था और शेख हसीना साहिबा मुजीबुर रहमान साहब की बेटी हैं जो कि फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने बांग्लादेश की बुनियादें रखी। रिजर्वेशन जो फ्रीडम फाइटर्स का वहाँ पे हुआ वो 4% था, बाकी 3% वैसा रिजर्वेशन था, लेकिन 93% या 94% तो वहाँ अनारक्षित है, मेरिट के बेसिस पे वहाँ पे नौकरियाँ दी जाती हैं। उसके बाद भी इतना बड़ा बवाल हो गया, इसके पीछे क्या क्या कॉन्स्पिरेसी है उसको भी हम सबको सोचना पड़ेगा और सरकारों को भी इतना रिजिड नहीं होना चाहिए। जब जनता सड़कों पर उतर आए, अभी आपने देखा पिछले साल श्रीलंका में भी यही हुआ, लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने भी इसी तरह के सारे हालात पैदा कर दिए। तो सरकार को ज़्यादा ना तो रिजिड होना चाहिए, जो जनता के सेंटिमेंट्स है उसको समझना चाहिए, लेकिन जो भी हुआ वो बुरा हुआ और हम तो अपने देश के हिसाब से सोचते हैं कि जो भी वहाँ पे सरकार बने वो हिंदुस्तान के मित्र सरकार बने ताकि हमारे उनके ताल्लुकात कायम रहें। जलौन से आ रही है बड़ी खबर। गांव में आए तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से मचाया हड़कंप। तंत्र विद्या से गांव के आधा दर्जन बच्चे हुए बेशुद्ध। 3 बच्चे गंभीर रूप से बीमार होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाए गए। बच्चों के परिजन परेशान, दवा से भी ठीक नहीं हो पा रहे बेशुद्ध बच्चे। तांत्रिक राजकुमार तिवारी के प्रकोप से गाँव में मचा हड़कंप। कुथौन थाना क्षेत्र के पंडितपुर गाँव का है ये मामला। गाँव में तांत्रिक है राजकुमार तिवारी, सारे बच्चों में मतलब तांत्रिकी मतलब कर रहा है। वो बच्चे मतलब खुद मतलब जब उन्हें मतलब सवार होते थे होता तो खुद उसका नाम डायरेक्ट ले रहे राजकुमार तिवारी। अभी क्या बच्चों को कहाँ लाए? अभी सरकारी अस्पताल में लाए हैं। बच्चे बिल्कुल सांसें टांग गए, बिल्कुल बोले मरे वो, मतलब उसके मतलब उनका यहाँ मतलब भागे बिलबिला के सारे बच्चे बेहोश हो गए। थाना कुथौन के ग्राम पंडितपुर में तंत्र विद्या किए जाने से कुछ बच्चे बीमार हो गए हैं, ये सूचना पर थाना प्रभारी कुथौन मौके पर पहुंचे और बीमार बच्चों के परिवार जनों से वार्ता की तथा अन्य लोगों से जानकारी की गई तो देव कुमार शुक्ला पुत्र विनोद कुमार शुक्ला के बच्चे 10 दिन से जो है बीमार चल रहे थे, जिन्होंने बताया कि हमारे ही गांव के राजकुमार तिवारी जो धारकों का कार्य करते हैं उनके द्वारा मेरे बच्चों पर तंत्र विद्या कर दिया गया है, इस कारण मेरे बच्चे बीमार हैं। बच्चों को CSC कुथौन में जो है इलाज कराया गया था, दवाई दिलाई गई और अन्य जानकारी एकत्रित की जा रही, जो जानकारी होगी आपसे साझा की जाएगी। दबंग परिवारजनों की मारपीट से महिला की हुई थी मौत। पुलिस ने पीड़ित महिला की नहीं सुनी थी फरियाद। दबंग परिवारजनों ने महिला के साथ कई बार की थी मारपीट। महिला ने थाना पुलिस से लेकर चौकी तक लगाई थी न्याय की गुहार। परिजनों ने थाने के सामने शव रख कर किया था हंगामा। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद भी पीड़ित की नहीं की थी रिपोर्ट को दर्ज। पीड़ित परिवार आज फिर पहुंचा थाना। पीड़ित परिवार ने पहुंचकर पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। दबंगों ने घर में घुसकर महिला के जेवर लूटने का भी लगाया था आरोप। पुलिस कार्रवाई ना होने से परिवार के लोगों के साथ ग्रामीण पहुंचे थाने किया हंगामा। पुलिस कार्रवाई ना होने से परेशान मृतका के बेटियों और दामाद ने थाने पर CO के सामने पुलिस मुर्दाबाद के लगाए नारे। ये हुआ था कि इनके जेठ और देवर इनको खेती में जमीनी विवाद में जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। इन्होंने 15 दिन पहले खुदागंज चौकी में एप्लीकेशन दी, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद कमालगंज थाने में एप्लीकेशन दिया, पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद वो कल घर में अकेली थी, ससुर साहब थे, गंगा जी पे चले गए। वो घर में तीनों लोग घुस आए, सुरेश शुक्ला और उनके लड़के टेसू शुक्ला और दिनेश कुमार शुक्ला घर में घुसाए। इनको कुछ गुम्मे से या कुछ ठोस चीज़ से सर में बार किया जिससे इनकी ब्रेन की नस फट गई। इनको लोहिया में ले गए, वहाँ से डॉक्टर ने मना किया, रामा ले गए, रात भर रामा में रखा, उन्होंने मना किया, सैफाई ले जा रहे थे। तो हमको न्याय चाहिए, इनके अपराधियों को पकड़कर जेल भेजा जाए। वाराणसी से आ रही है बड़ी खबर।
वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध माँ गंगा की आरती दशा अश्वमेध घाट के बजाय छत पर हुई आज से शुरू। गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित होने वाली विश्व विख्यात माँ गंगा की आरती। माँ गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण छत पर हुई भगवती की आरती। पांचवी बार बदला माँ गंगा की आरती का स्थान। देखिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माँ गंगा का जल स्तर जो है वो ऊपर आ गया है, काफी ज्यादा पानी बढ़ गया है और जिसको देखते हुए घाट पर जो स्थान था वो सीमित हो जाता है, तो वहाँ जगह बहुत छोटी हो गई थी और सुरक्षा भीड़ जो है वो काफ़ी हो रही थी। इस वजह से जो आरती का स्थान है वो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा सेवा निधि कार्यालय के ऊपर जो माँ गंगा की आरती है वो पूरी उसी तरीके से परंपरागत तरीके से जो है वो करवाई जा रही है और सुरक्षा को देखते हुए ये सारी चीज़ें जो है ये सारे फैसले लिए गए हैं। बांग्लादेश के हालातों को देखकर धर्मगुरुओं ने इस पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि भारत सरकार को इस पर अभी से सोचना होगा क्योंकि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कभी भी भारत में भी हो सकता है, इसीलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। यह हिंदू बहुसंख्यक है और हिंदुओं का अकेला देश है, तो देर किए बिना जल्द से जल्द भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हिंदू धर्म गुरु कपिल देव मुनि महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेक्युलरिज्म की बात करने वाले आज देख लें हिंदुओं का हाल क्या है वहां पर। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी सीख है हम लोगों के लिए। जो लोग ये कहते हैं कि सब एक है और सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए, सभी को एक साथ लेकर चलो, ठीक बात है, लेकिन जहां पर हिंदू कम थे वहां पर हिंदू खत्म हो चुके हैं। जहां है तो वहां बांग्लादेश जैसे हालत हो रहे हैं। बांग्लादेश में देख लीजिए कि कैसे हिंदुओं को घर में घुसकर मारा जा रहा है। जहां पर हिंदू बहुसंख्यक रूप में हैं वहां पर ये लोग कहते हैं कि ये देश सेक्युलरिज्म का है। पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देश में सेक्युलरिज्म कहां गया? क्या वहां सेक्युलरिज्म नहीं है क्या? हमारे देश को अब हिंदू राष्ट्र बनाकर भी सेक्युलरिज्म देश बनाया जा सकता है। हिंदुओं के पास मात्र एक ही देश है और वो है हिंदुस्तान। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना जो कि खुद एक मुस्लिम है, एक अच्छे पद पर रही वहाँ प्रधानमंत्री के पद पर, वो केवल उनको उस जगह से केवल इसीलिए भागना पड़ा कि उन्होंने हिंदुस्तान का फेवर किया। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है हम लोगों के लिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि बोले कि सब एक हैं और यानी कि सबको लेकर के चलना, सबको लेकर चलना गलत बात नहीं है, लेकिन मैं इतनी सी बात जानता हूँ कि जहाँ पर हिंदू कम थे वहाँ पर आज ख़त्म हो चुके हैं और जहाँ पर नामो निशान है तो बांग्लादेश में देख लीजिए कैसे घर में घुस घुस करके उनको मारा जा रहा है। और जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक रूप में है वहाँ पर ये लोग कहते हैं कि ये देश जो है ये सेक्युलरिज्म का देश है, है यहाँ ये सेक्युलर क्या वहाँ सेक्युलरिज्म नहीं है? जहाँ पर हिंदू है क्या वहीं पर सेक्युलरिज्म होना ज़रूरी है क्या? अगर है तो इसको हिंदू राष्ट्र बना करके भी तो हम कर सकते हैं। बिजनौर से आ रही है बड़ी खबर। बिजनौर के नांगल सोती गांव में घुसा मगरमच्छ। मगरमच्छ कई घंटों तक गांव की गलियों में टहलता रहा। मगरमच्छ को गांव में देख वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम गांव पहुंची। वन विभाग की टीम मगरमच्छ को पकड़कर अपने साथ ले गई। यूपी के महोबा में समाजवादी पार्टी के जिला सचिव जलील खान से 3 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। सपा नेता ने कार सवार बदमाशों पर 2.5 किलो सोना देने के अवज में 3 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। मामले से परेशान सपा नेता ने एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। महोबा शहर कोतवाली के मिल्कीपुरा मोहल्ले में रहने वाले समाजवादी पार्टी के कदावर नेता जलील पठान के पास कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने आकर हमीरपुर जनपद के भरुआ सुमेरपुर में रेलवे लाइन की खुदाई के दौरान सोना मिलने का हवाला दिया था। इस घटना को लेकर बेहद परेशान हो गया है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। 3 लाख रुपए लिया हमने। ये क्या गिरवी रखा गया था सामान? हाँ, गिरवी रखा गया है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? जब आप फोन उन कर रहे हैं तो कोई पता है कौन था वो? अब नहीं उठा रहा वो। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि आपके साथ ठगी हुई है? हमारे साथ में ठगी हुई साहब। हमने 1 घंटे के अंदर सब जगह ढुनाई की, पूरे सभी चारों तरफ। इसके बाद में हमने पुनः जो है कोतवाली जा करके 1 घंटे के अंदर 2 तारीख को तहरीर दे दी। कोतवाल साहब को पूरी घटना बताई। घटना बताने के बाद उन्होंने कहा कि जाओ सुभाष चौकी फ़ोन कर दिया। हम सुभाष चौकी गए। फिर इसके बाद 3 बजे हमको जो है क्राइम ब्रांच के दरोगा जी ने चौकी पर बुलाया। हमीरपुर से आ रही बड़ी खबर। ग्राम प्रधान के साथ दबंगों ने की जमकर मारपीट।
बीच रोड पर प्रधान को गिराकर लाठी डंडों लात घूसों से जमकर की पिटाई। ग्राम प्रधान दबंगों से मांगता रहा रहम की भीख, नहीं पसीजा दबंगों का दिल। ग्राम प्रधान के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मझगावा थाना क्षेत्र के गढ़हर गांव का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए महुआ नेटवर्क्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।